यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अधिकतर मेयर सीटों पर कब्जा कर लिया है। पहली बार चुनाव वाले चार नगर निगमों में भी कमल ही खिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बीच सांसद असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम ने सेंधमारी की है। बता दें कि फिरोजाबाद में नगर निगम में पहली बार हुए चुनाव में भाजपा के नूतन राठौर ने जीत दर्ज की है। एग्जिट पोल में ये सीट सपा के खाते में जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन सपा खुद तीसरे स्थान पर रही। लगातार नौवे राउंड में दूसरे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी को चौथा स्थान नसीब हुआ। फिरोजाबाद के परिणाम आने के बाद लोग अचंभित तक रह गए जब एएमआईएम की प्रत्याशी मशरूर फातिमा 56,536 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। एएमआईएम के लिए ये स्थिति जीत से कम नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से यूपी के सियासत में कदम रखने के बाद असाउद्दीन ओवैसी के लिए निकाय चुनाव में दूसरा स्थान यूपी में सेंधमारी जैसा है। फैजाबाद का फाइनल रिजल्ट, बीजेपी की नूतन राठौर को मिला 98,928 वोट, जिससे वह जीत गई हैं। एएमआईएम की मशरूम फातिमा को मिले 56,536 वोट। सपा की सावित्री देवी गुप्ता को मिले 45,917 वोट। वहीं बीएसपी की पायल राठौर को मिले 41,524 वोट। साथ ही साथ कांग्रेस की शाहजहां पर भी आखिरी स्थान पर बने हुए, जिन्हें मिले 13,924 वोट। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्पल न्यूज़।